ओहो, ये देख। कभी भी अचानक से हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है गोलू को। रहने तो सब कैंसिल करो। अरे आज हादसा हो गया। मेरे घर में मेहमान आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और एक बज गया है, पायल ने बनाया मूली के पराठे और इसको बोला इतनी बार किचन से दूर रहकर, पर शांति एक दो दिन में घर आने वाली है, उससे पहले एक एक पराठा हो जाए। तो आज आप खुश तो बहुत हो गए, शांति आने वाली है। अभी अभी मेरी बात हुई, तसल्ली आ गई है मेरे को ना। हाँ। उसने बोला आज मैं बैठ जाऊंगी ट्रेन में, कल आ जाऊंगी। तो गाइस सभी के लिए एक जरूरी सूचना, हम चाहते हैं आपकी स्टोरी हमारी जुबानी हम दुनिया तक पहुंचाएं, आपका इंटरव्यू लें, चीजों को आप बताएं कि कल को कोई भी इंसान दुनिया वाले स्टोरी सुने और उनसे भी अचानक से ऐसी कोई गलती ना हो कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं होता है और उनके ऊपर केस हो जाता है, वो जेल में चले जाते हैं, तब जाके उनको पता लगता है कि उनके नाम पे ये जो केस है ये दर्ज हुआ है और वो ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, कोई इन्हें संभालने वाला नहीं होता और वो सालों साल जेल में पड़े रहते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। तो अगर आप में से भी किसी के साथ ऐसा कुछ कोई भी है, वो चाहे वो लेडी है या फिर कोई भी, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करें। मैं आपको नीचे एक मोबाइल नंबर अपने बायो में और एक इंस्टा आईडी देता हूँ, आप प्लीज कॉन्टेक्ट करें और हमसे मिले। और हम चाहते हैं ये स्टोरी हम दुनिया तक पहुँचाएं, आपकी कहानी हमारी जुबानी। मैंने पहले मैं मर गया, मूली के पराठे खिला दो, मूली के पराठे खिला दो, मिले। अच्छा। नहीं मुझे पता। हाँ, जिस दिन आप गए थे ना दिल्ली, उस दिन भी बना था, बहुत टेस्टी बना था। मैंने सोचा था कि आप होते तो मैं खिलाती, फिर मैंने मूली जिस दिन आप आने वाले थे उस दिन लेके आई थी। अब देखो आपके पास दो ऑप्शन है, एक आपका रूटीन डाइट और एक आपका मूली का पराठा। अब आपको दोनों में से क्या खाना है? तो मैं मूली का पराठा खा लूंगा, मैं 10 मिनट कार्डियो एक्स्ट्रा कर लूंगा क्योंकि तूने बहुत प्यार से बनाया, बहुत देर से बोल भी रही है कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बस अभी पहुंचा हूं मैं और खा ले। तो बहुत ही कमाल का पराठा है, मतलब याद आ गई जब मेरी माँ मुझे सुबह सुबह खिलाती, माइंड ब्लोइंग। आप भी मूली के पराठे खाओ और गंदगी मत मचाना घर में, घर से बाहर बकाते घर वाले। वो क्या ना, आजकल ना पायल की तबीयत बहुत खराब होने लग गई है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जितने बाहर के ट्रैवल सब बंद कर रहा हूँ और मैं 2 महीने कहीं नहीं जा रहा, घर पे हूँ। कभी भी अचानक से हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है गोलू को, मतलब 15-20 दिन रह गए। तो ये जर्नी हम चाहते हैं हम साथ में इंजॉय करें और जिस दिन गोलू हॉस्पिटल पहुंचेगी उस दिन मैं फेसबुक पे या यूट्यूब पे लाइव आने वाला हूँ, लाइव दिखाने वाला हूँ क्योंकि हम हॉस्पिटल के बाहर होंगे। वो पल मैं चाहता हूँ 1 मिनट भी मैं मिस ना करूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो प्यार करते हैं, चीज को देखना चाहते हैं। तो जितनी जल्दी करते हैं ना काम के लिए उतना लेट होता है। ऊपर जो हमारा जिम का काम चल रहा है वो लेट में लेट हो रहा है, यानी 4-5 दिन और लेट हो रहा है, यानी 10 दिन और लगेंगे इस जिम को तैयार होने में। और अब की बार मैं आपको जिम का पूरा टूर देने वाला हूं, जब बन जाए उससे पहले दिखाऊंगा इन्हें। तो कुछ लोगों को जिम की वीडियो बिल्कुल नहीं पसंद, फिर भी हम जिम पहुंचे हैं अमित भाई हमारे साथ। तो अभी हम करेंगे चेस्ट का वर्कआउट और धमाका। वीडियो तो पसंद नहीं लेकिन बॉडी सबको पसंद है, तो थोड़ा बहुत वर्कआउट जरूरी है जिंदगी में। और एक गाना आने वाला है अमित भाई के साथ और हमारी भाभी के साथ बहुत ही जल्दी, और खतरनाक गाना सिलेक्ट हो चुका है, बस आपके सामने पेश करना है। भाई ऐसे ऐसे लोग हमारे साथ जिन्होंने वर्कआउट किया है, फास्ट रखा हुआ है, और ये इतनी पावर आती कहाँ से आपके अंदर? शेरा वाली माता देती है। भाई मैं तो खा रहा हूँ, मैंने कभी पत्र रखा ही नहीं आज तक, मुझे पता ही नहीं। तो कल मैंने एक पोस्ट किया था तो काफी लोगों की मैसेज आ रखे हैं, मैंने उनकी वॉइस रिकॉर्ड सुनी, तो शायद इस संडे हम 2-4 लोगों का इंटरव्यू करें और वो स्टोरी दुनिया तक हम जरूर पहुंचाएंगे। और ऐसे ही आप भी अपनी कोई भी स्टोरी हो इंस्टाग्राम पे एक वॉइस नोट भेज दें आप शॉर्टकट में, और जैसे भी होता है हम आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे और हम हर हफ्ते 5 से 10 इंटरव्यू करने वाले। तो पायल ने बना दी भैया छोटी सी किचन घर पे। पायल क्या क्या चाहिए? इसमें कैरेट है, बीन्स है, और ये थोड़े एग्स हैं, और ये थोड़ा सा मीट है। तो एग क्यों खिला दिया? अभी तो नवरात्रि है ना। नहीं वो वेज वाले एग है। अच्छा तो ये चीकू का नाश्ता है, ये कह रहे चाइना का माल खाना है, साथ में आपको जूस दूं, फेंटा दूं, कोल्ड ड्रिंक दूं, दूध दूं, क्या चाहिए? दूध ये लीजिए। पल मैं जा रहा हूँ कल दिल्ली और शायद 1-2 दिन बाद आऊंगा, 27 का फिर मेरा शूट है, 27 तक आऊंगा मैं, बता। क्या आपका दिल्ली दिल्ली दिल्ली, कहीं नहीं जाना है? काम तो करने पड़ेंगे। तो काम अपने डिले करो, अब कहीं नहीं जाना है, इसकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। आप 25 को जाओगे, 27 को फिर शूट है, ऐसे तो बिजी रहोगे आप। रहने दो सब कैंसिल करो। ठीक है, पोस्टर छप गए थे। कोई बात नहीं, पोस्टर छप गए तो क्या करें, फैमिली जरूरी है, पोस्टर जरूरी है। मना कर देता हूँ फिर, गुस्सा भी हो रही है। चीकू कितना खाना खाया तूने? 1000 का। ठीक है, 2000 का बिल लेना बेटा, ठीक है, और 611 रुपए। हाँ 1100 रुपए टिप दे दो। कन्यादान तो 2000 तो दो। अच्छा हाँ 2000 देखना, 2000 कर लिए, 1100 रुपए टिप दे रहे हैं। जाओ आप अपना काम करो दुकान में। अरे ये क्या होता है, आपने मेरा माल खाया है? नहीं नहीं पैसे दो, वापस रखने हैं। मेरा माल खाया आपने? कोई बात नहीं। बड़े गंदे ग्राहक हैं, इनको दोबारा अपनी दुकान में घुसने भी नहीं दूंगी मैं। तो हमारे साथ बैठी है निष्ठा चड्डा। चड्डा था क्या? निड्डा, सॉरी सॉरी सॉरी, होते हैं यार निकल जाती हम उसे। तो लड़की की तबीयत थोड़ी ठीक है, अभी इनके घर वाले आ रहे हैं लेने के लिए। और खुशखबरी है 27 तारीख को शूट करने वाले हैं हम निष्ठा के साथ, साथ में गोलू है, पायल है, मैं हूँ, और शूट बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, अब तक की मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा शूट है ये। चड्डा बोला था? चड्डा बोला। तेरे को क्या सुना? चड्डा ही।
तो स्टूडियो में बैठ के चाय पीने का आनंद ही बहुत ज्यादा है। आजकल मैं क्या ना स्टूडियो में रहता हूँ और मेरा दिल भी यही लगता है, मीटिंग भी आजकल मैं यही कर रहा हूँ, बातें भी यही चल रही है, एडिटिंग भी यही चल रही है, वीडियोस भी यही बन रही है, तो मतलब एक ऑफिस वर्क लगता है स्टूडियो में बैठ के। तो निश्चिता मिड्डा, क्या आपका भी दिल लगता है ऑफिस में? बहुत ज्यादा, मेरा तो घर जाने को भी दिल नहीं कर रहा है पर फिर भी जाना पड़ेगा। कितने दिन के लिए आई थी वैसे? एक दिन के लिए आई थी। कितने दिन हो गए? 10 दिन हो गए यहाँ पे। बीमार हो गए थे ना भाई, पर फिर भी दिल भी तो लग गया था। चलो, घर जैसा माहौल है यहाँ पे ना। बिल्कुल, फैमिली। तो कहाँ घूमा आज? कुछ नहीं, आज तो हम बाबू इसकी यूनिफॉर्म, अरे आज हादसा हो गया, हम चीकू को लेके गए स्कूल यूनिफॉर्म के लिए। हाँ। तो जाते उन्होंने स्कर्ट दिखा दी, चोटी बना के ले गए थे। हाँ। स्कर्ट दिखाने लग गए, मैंने कहा भैया ये क्या दिखा रहे हो? कह रहा मैडम स्कर्ट। मैंने कहा भैया लड़का है, लड़की नहीं है। अच्छा, तो चीकू के साथ हादसा हुआ, बहुत बड़ा हादसा हो गया चीकू के साथ। चीकू क्या सीन हो गया आज तेरे साथ? लड़कियों वाले कपड़े दिखाने लग गए, आपने कुछ बोला नहीं? हाँ भाई, मैंने बोला लड़का हूँ मैं। तो भैया यहाँ पर आ गए पंगाल फिटनेस। कैसे हो सर आप? क्या चल रहा है बढ़िया एकदम जीवन में? चीकू भी तुम्हारे जैसे चैन पहन रहे। अच्छा चीकू दिखाई बेटा, चाचू को चैन दिखा तेरे वाली। 50 तोला रे चीकू, पता है चाचू ना अकेले घुमाए तेरे को, नहीं लेके ना कहीं भी। हाँ, अच्छा लगा तेरे को? चीकू दुखी हो जाता 3 दिन। अच्छा पायल, ये देख खाटू श्याम बालाजी का प्रसाद है। हाँ, मैंने भैया के लिए देखी थी। ये खा, ये वाला बहुत अच्छा, ये निकाल ले पूरा, और बच्चे खा लेंगे। ये ले प्रसाद, खा पता खा कैसे लगा? अच्छा प्रसाद, अच्छा ही होता है। ठीक है, ये ले बालाजी का प्रसाद। ठीक है देवी, कुछ खाना? भूख लग रही है? नहीं खा भी उठी हूँ, प्रेगनेंसी की क्रेविंग है। पायल की, पायल कुछ खाना बेटा? हाँ चलो, पायल को ना फलू सेक्टर 30 चंडीगढ़ चलो, पायल को फलूदा खाना है। चले? हाँ चलो। ये उल्टा पहन रखा है? ओहो, मैं जल्दबाजी में उल्टा पहन के आ गई यार। तू भी पायल कलाकार, चेंज करके आ रही 2 मिनट में। पहन रहे पापा, किसी से भी पूछो बचपन में किसी ने ये कार्टून देखा है? तो गाइस ये वाला कार्टून किसने देखा है जल्दी से बताना, और कमेंट में इसका नाम बताना। चीकू को तो पता है, पता है आपको क्या नाम है? नहीं बताना। तो ये वाला कलर बता कैसा लग रहा है? मैचिंग है? हाँ बादामी कलर, थोड़ा सा टाइट भी हो गई पायल। मुझे ना मेरा पायल की एक चीज मैचिंग है। हाँ। दिल। ओहो सुनना, हेलो, ये जोकर साथ लेके जाएगा? जोकर मत बोलना। चीकू मम्मी मेरे को गुंडा बोल रही है। अच्छी बात है, गुंडे तो आप। अरे चीकू के साथ तो ना आज एक और सीन हुआ। आज भैया हम बुक स्टोर पे गए, तो जैसे बुक स्टोर पे गए ना हमने सामान ले लिया। मैंने कहा फर्स्ट क्लास के बच्चे का स्टेशनरी दे दो। तो उन्होंने सामान दिया, चीकू कहता मम्मा ज्योमेट्री बॉक्स भी चाहिए। तो भैया वो ज्योमेट्री बॉक्स दिखा रहे, बाल भी डाल रखा था। ये दूंगी इसकी चोटी देखी भैया। चीकू यार क्या था, हीरो हूं मैं। ठीक है भैया, ध्यान रखो। तो भैया 19 किलोमीटर इनको फलूदा खाने जाना। तो बहुत कंप्लेंट आने लग गए चीकू की, क्योंकि ना चीकू बिल्कुल भी ना अपनी मम्मी का हाथ नहीं बटाता। मैं जरूर बटाता हूँ, बता भाई चीकू क्यों नहीं हाथ बटाता? कल तो सेवा कर रहे थे, मेरे पैर दबा रहा था, ऐसे मत बोलो। बोलूं जी? सही कह रहे हैं। नहीं नहीं, और भी कुछ हुआ था ना? गोलू मैं बताती हूँ क्या हुआ था। पायल मैं रोटी बना रही थी किचन में, और बीबी की मूवमेंट नहीं हुई थी, तो फिर चीकू ने देखा मम्मा रोटी बना रही है, तो फटाफट तेल लिए पानी लेकर आया और बर्फ डाल के, फिर कहता मम्मा आइसक्रीम खाओ, फिर कहते हैं रसगुल्ला रखा था, कह रहा रसगुल्ला खाओ, फिर इसने पूछा 10 मिनट में हुई मम्मा, हुई मूवमेंट हुई। इसे ये सब कुछ पता है। आपसे गुस्सा है? पापा से गुस्सा हो गए? मैं ना भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हो सकती। मैंने इनको बोला था 12 बज गए सब कुछ बंद हो जाता चंडीगढ़ में, देखो सब बंद पड़ा। तो फाइनली शुक्र हो भैया जहाँ पे आए हैं वहाँ पे खुला खुला लग रहा है मुझे सब कुछ। देखो ऑप्शन है मेरे पास, अगर मुझे यहाँ पे फलूदा नहीं मिला तो आप मुझे बाहर से मदर डेयरी के चौक पर खिला देना, कहीं भी मिलेगा, मैं जो चीज मिलेगी वो ले आऊंगा। ठीक है ना? क्या होगा चीकू? मैं बोल रहा हूं, मैंने ना उन्हें चॉकलेट दी थी फैंस ने, पापा ने एक दिन से कहा था कि सब कुछ इग्नोर करो, फिर मैंने इग्नोर कर दिया। उसके पापा ने समझाया था अगर आपको कोई गिफ्ट देता तो उस टाइम ओपन नहीं करते, पेशेंस रखते हैं। तो चीकू ने आज यही काम किया, किसी ने कोई गिफ्ट दिया तो उनके सामने ओपन नहीं करा। वेरी गुड। अभी चिढ़ा रहा है, कह रहा तूने इग्नोर कर दिया, मैं ले रहा हूँ। देखो नितिन चिढ़ा रहा है। तू चिढ़ा रहा है? वो खा ही नहीं रहा था, कहता नहीं खाऊंगा, ऐसे बैठा था। मैंने कहा मैं खा लूंगा, फिर अब कहता ना दो मुझे। तो गाइस हमें फलूदा मिल ही गया, अरमान जी ने ढूंढ ही दिया, क्योंकि मेरी काफी दिन से क्रेविंग थी फलूदा खाने की। तो इन्होंने बोला तुझे आज खिला के ही ले चलूंगा घर। तो फाइनली मेरा आ गया, अभी इन लोगों का बाकी है सामान। वैसे गाइस इसको बिल्कुल भी शर्म की बात नहीं है, बोलना नहीं चाहिए। हम लोग घर आ रहे थे और मतलब कि सबका प्लान कैंसिल हो गया था, किसी ने दिमाग नहीं लगाया। मैंने दिमाग लगाया कि अरोमा चलो वहाँ पे, रास्ते मैंने ज्ञानी देखा था और ज्ञानी से फलूदा मिलता है, तो ये मेरा आइडिया था। लेकिन तो आप ही आए हो ना घर से, तो आप ही निकाल के लाए हो? मैं लेके आया। घर से निकालते तो यहाँ थोड़ी आते हो? तो यहाँ पे तो मेरी वजह से आए हो ना, मैं लेकर आई हूँ यहाँ पे, आप तो कहीं और लेके गए थे। जब से हम प्रेग्नेंट हुए ना और हमारी क्रेविंग स्टार्ट हुई है, उस दिन से इसकी क्रेविंग भी स्टार्ट हो गई है। आपकी क्रेविंग है, इसकी क्रीमिंग है। तो गाइस इस लड़के ने ना व्रत रखे हैं 9 दिन के लिए, और ये चाहता है मुझे कोई सुशील कन्या मिल जाए जिससे कि शादी हो पाए। तो हमने बताया था ना आपको, एक समंबर रचेंगे इसका भी हम, बहुत ही बढ़िया वाला पूरा कॉन्सेप्ट बनाएंगे, इसकी शादी करवाएंगे, उसको टास्क होंगे, क्योंकि निहायती शरीफ लड़का है। और हम चाहते हैं जो भी हमारे घर में आए और उसमें इतने गुण हो इससे भी ज्यादा।
एक्चुअली वो हमने बहुत पहले सोचा था कि हम नितिन का स्वयंवर करेंगे, पर अभी है ना हमारी डिलीवरी का टाइम आ गया है, तो हमने बोला बच्चे होने के बाद करेंगे वो। मैं बोल रहा हूँ शादी मत करो, तू बुढ़े हो जाओगे। ये मेरे को कहता सिंगल रहूं, मैं भी सिंगल रहूंगा। मिर्ची है क्या? तो एक साथ क्या चिपकी हुई बाहर चिपका रखी इन्होंने, मुझे नहीं पता उठा के देख। तो यार तो नहीं निकल रही, ये भी नहीं निकल रही। मैं भी कोशिश कर रहा था ये। अच्छा, खाना वाना हो गया डन। बहुत टेस्टी वेज बिरयानी थी, इतनी टेस्टी सच में, बहुत ज्यादा मजा आया खाने में। काफी टाइम बाद ना ऐसे चटपटा सा खाया मैंने। एक काम करेंगे, थोड़े दिन में फिर आ जाएंगे खाने। एक रिकॉर्ड बनाऊंगा मैं, 6 महीने में ना अपनी बॉडी फिट कर लूंगा। मेरे पैरों में सूजन आ गई है बहुत ज्यादा। आपको पता है आज क्या हुआ? आज मैं चप्पल देखने के लिए जा रही, मेरा पैर वैसे 39 है, ठीक है 39 टाइट हो गए। देखना पैर कितने मोटे हो गए हैं, दिख रहे हैं? हाँ बहुत मोटे हो गए हैं। तो भैया अब तक तो सिर्फ सुना ही था कि पांव भारी होते, आज पहली बार देख भी लिया। तो आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं। नमस्कार, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। गाइस जाने से पहले यही बोलूंगी, जिसने अभी तक गाना नहीं देखा है नंबर 1 रिकॉर्ड्स पे, मेरा नाम लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर चेक करे, कमेंट करना मत भूलना, और नंबर 1 रिकॉर्ड्स को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि उस पे अरमान जी की खुद की वॉइस में आने वाले हैं बहुत सारे गाने। तो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट फिल्म में। बाय बाय।